5 बजे का टाइम है, बच्चों को लगी है हल्की हल्की भूख और मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा बनाने के लिए मैंने ली हूँ इस कटोरी से 3 कटोरी पोहा, मोटा पोहा ली हूँ, मोटा पोहा। ये हरा धनिया, 2 मिर्च, मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 छोटा सा आलू और 1 प्याज। पोहे को इस छलनी में डालकर धो के रख देंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए पहले पोहा धो लेते हैं। पोहे को अच्छे से धो के सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया है। अब हरा धनिया, प्याज, आलू और मिर्ची को कट कर लेते हैं। हरा धनिया और मिर्ची को कट करने से पहले धोना ज़रूरी है। प्याज, मिर्ची, आलू कट के रेडी हो गए हैं। आलू मैंने कुछ इस तरह के इस साइज़ के काटे हैं और ये प्याज पतली पतली से काटी है, प्याज पतली पतली प्याज काट लिए हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च, अब चलिए बनाते हैं पोहा। कढ़ाई हो गई है गरम, अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे करीब 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई। जीरा राई के कटने पर डालेंगे आलू। आलू थोड़े थोड़े हो गए हैं तो अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है, अब यहीं पे डाल देंगे हम मिर्ची। चम्मच हल्दी, एक और 1/2 चम्मच नमक। मटेरियल रेडी हो गया, बस अब यहाँ पर हम डाल देंगे पोहा। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब करेंगे गैस बंद और पोहा करेंगे सर्व। थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, इसको मिला देंगे, थोड़ा गार्निशिंग की तरह। थोड़ी सी गार्निशिंग। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।